रुकना नहीं, झुकना नहीं, आगे ही बढ़ते जाना है, क्योंकि पतझड़ के बाद बसंत आना है। कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं और मैं हाजिर हूं आज का प्राइम क्वेश्चन ऑफ द डे लेकर। बहुत मजेदार सवाल लेके आया हूं आपके लिए, लेकिन आज जरा ट्रिग्नोमेट्री के दो सवाल लेके आया हूं। तो चलिए इन दोनों सवालों में से पहले सवाल को करते हैं। जैसा कि हर बार कहता हूं कि आप पहले जब मैं क्वेश्चन लिखता हूं तो थोड़ी सी वीडियो को 10-5 सेकंड के लिए रोक करके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, इसके बाद फिर पूरा सॉल्यूशन को अच्छे से देखिएगा, तैयार करिएगा, ठीक है। पहला सवाल, अब अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका देखते हैं तो क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन जरा आपके लिए लिख देता हूं कि आपके लिए आसान हो जाए। इन्होंने लिखा है कि त्रिभुज ए बी सी है, में ये कह रहे हैं भाई ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, और अगली बात दी जा रही है ए सी इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर है, ठीक है, कोई बात नहीं है। आगे कहते हैं कॉट सी प्लस कोशेक सी इज इक्वल टू 2 टैन ए क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न। अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं क्योंकि बेहतरीन सा प्रश्न आप ही करके अपने आंसर को ढूंढ सकोगे। पहला है 9/20, सेकेंड है 2/5, और थर्ड हमारे पास है 7/20, और लास्ट ऑप्शन है 3/5। इसे आप सबको सॉल्व करना है। देखिए अब इतने मजेदार सवाल को अगर आप मेरे साथ में करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को करना क्या है, भाई की बात मान लेता हूं, एक त्रिभुज एबीसी की बात इन्होंने किया, तो लीजिए हमने त्रिभुज एबीसी बना दिया, ये हो गया एबीसी। इसमें लिखा है कि एबी 20 है, तो एबी 20 है, बढ़िया बात। बीसी 21 है, ठीक है, और एसी 29 है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है ही, मतलब हमें करना कुछ भी नहीं है ना, डायरेक्ट हमें सवाल लगाना है। आप सभी जानते हो कि 90 डिग्री के सामने की भुजा हाइपोटेनस होती है और जिस एंगल को कहा जाए उसके सामने की भुजा हमेशा परपेंडिकुलर होती है। आपके इस क्वेश्चन में दो पॉइंट छोटे छोटे हैं, एक तो ये है कि देखो एक एंगल सी की बात की गई है, तो दो चीजों को हम एंगल सी से लेंगे, तो जब एंगल सी लेंगे तो एंगल सी के लिए ये परपेंडिकुलर यानी लंब का काम करेगा, ये मैटर क्लियर है आपको। बट माय डियर जब एंगल ए की बात करूंगा तो एंगल ये यहां पर है, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर का काम 21 करेगा। बस इसी छोटी सी खूबसूरत सी बात पर आधारित सवाल है। अब आप लोग आराम से मेरे साथ इसे सॉल्व करें। देखो भाई आप सभी जानते हो कि जब आप कॉट थीटा की बात कीजिएगा तो कॉट थीटा नो डाउट आपके पास क्या होता है, टैन का जस्ट उल्टा होगा, तो टैन आपके पास लंब बटे आधार थे, आधार बटे लंब होगा, बट कॉट कौन सा सी है, तो आधार बटे लंब होने का अर्थ है कि कॉट सी से अगर देखें तो आधार 21 है, सो यहाँ पे कॉट सी के लिए मैं लिखता हूं 21/20 प्लस कॉसेक सी, तो कॉसेक सी क्या होगा, कर्ण बटे लंब, तो आप देखिए कॉसेक सी के संदर्भ में कर्ण ये है, लंब ये है, तो आप कर दें 29/20 इज इक्वल टू 2 × tan थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार, तो tan ये यहाँ पे है, इसका लंब ये है और आधार 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21/20 के। बस इसी को सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर आप इसे सॉल्व करें तो भाई इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, सो कहना क्वेश्चन मार्क बराबर ये कितना आएगा 50/20 माइनस यहां कर देता हूं 42, अब बटे में क्या हो जाएगा 20 के, दोनों का डिनोमिनेटर सेम भैया, 50 में से 42 घटा दो तो 8/20 हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, तो नो डाउट 2/5 इसका आंसर है। बोलिए मजा आया सवाल को समझ करके, अच्छा लगा, ठीक है जल्दी से सॉल्व करिए। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग आज के लिए, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं।
बहुत ही मस्त सवाल है, छोटा सा मजेदार सवाल है, और ऐसे क्वेश्चन जब आपके पेपर में आ जाते हैं झटके में, अगर आप ध्यान ना दें तो एंगल को लेके गलती हो सकती है। आप ही बताओ इस सवाल में क्या था, एक एंगल ए एक एंगल सी, दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी थी, बाकी सवाल में ऐसी कोई बात थी नहीं जो आपको पता ना हो। ठीक है, ओके। और जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट आप लोगों ने शुरू किया, आप सबको बेहद पसंद भी आ रहा है, तो आगे इस तरह के अनोखे अनोखे सवालों की सीरीज आपके लिए जारी रहेगी। इसी बात पर एक अगला सवाल, इस बार का क्वेश्चन ये है कि कहते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ टू साइन ब्रैकेट में 3x-15° इज इक्वल टू 1, 0° इज लेस देन इन ब्रैकेट 3x-15 इज लेस देन 90°। तो हमें क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 2x प्लस 15 डिग्री और प्लस है कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 15 डिग्री बराबर क्या। ये बेहतरीन प्रश्न है, आप भी कोशिश कीजिए, अगर आपका आंसर आ जाता है तो बढ़िया है, नहीं मेरे साथ तो समझना ही है, तो देर किस बात की, समझते हैं साथ साथ में। देखिए भाई अभी तो बहुत इजी, आप शायद अब तक कर भी चुके होंगे। देखो थीटा की वैल्यू यानी यक्स की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लें, उस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो तुरंत हमारे आंसर आ जाएंगे। चुटकी बजा के सेकेंडों का सवाल सॉल्व करते हैं कैसे, सुनिए भाई, यहां से 2 का इधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा हमारे लिए क्या, साइन 3x-15° इज इक्वल टू 1/2। अरे भाई सोच क्या रहे हो, सबको पता है साइन की कौन सी डिग्री है, साइन की 30 डिग्री, साइन साइन गया। बताओ 3x-15 बराबर 30, सो 3x इज इक्वल टू 45 डिग्री, यस आर नो, तो कैंसिल आउट करो, यक्स की वैल्यू अपने पास आ गई 15 डिग्री। अब यक्स है तो सब कुछ है, इसका मतलब अगर हम इस वैल्यू को यहां पुट कर दें तो मेरे भाई ये हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर। देखो यक्स का मान 15, 15, 30, 15, 45, तो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा, प्लस यक्स तो 15, 15, 30 प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। आप सभी जानते हो कॉस 45 कितना होता है, 1/√2 होगा, तो 1/√2 का मतलब ये आपके लिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगा, प्लस रूट 30 काट का क्या होता है, √3 होता है, सो 3 हो जाएगा, 3 से 1/2 या 7/2, ये है आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो ठीक है, आज के दोनों सवाल कैसे आपको लगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट करके बताइए, ताकि हम आपके लिए और ऐसे बेहतरीन बेहतरीन सवालों की सीरीज लेके आते रहें। तो हम आपसे मिलेंगे आपके अगले प्राइम क्वेश्चन ऑफ द डे में। थैंक यू।